स्टडी। आज क्लास फाइव का वीडियो लेकर आए हैं। क्लास फाइव को आज 18A से कमेंट्स आया कि 18A और 18B बताइए, तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन है। 18A का आपका क्वेश्चन नंबर पूछा गया, फर्स्ट का सी डी और एफ। 18A का ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखिए दिखला रहे हैं। 18A का क्वेश्चन तीन पूछा गया, फर्स्ट का सी डी और एफ, ये तीन क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 18B का क्वेश्चन पूछा गया है, 3 और 4, ये दो क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम 18A का बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18A का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो फर्स्ट का हेडिंग देखिएगा, फर्स्ट का सी। फर्स्ट का हेडिंग बोल रहा है, फर्स्ट में फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भुज। इसमें आपका सभी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। भुज यानी कि जिसका लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ इक्वल टू 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ गुने ब्रेथ ही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए जो लंबाई दिया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और चौड़ाई किसमें दिया हुआ है, सिर्फ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, आसान होगा। जो आपको आसान लग रहा है वही कीजिए। तो यहाँ पे देखिए देखिए आपको आसान कौन लगेगा, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका आंसर किसमें दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से मिला बनाए हम आंसर अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सही रहेगा, अगर मीटर में दिया हुआ रहेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे ना, फिर से मीटर में कन्वर्ट करके बना लेंगे। तो यहाँ पर चलिए आपको जो आसान लग रहा है उसमें हम करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो पहले जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कीजिए। तो यहाँ पे 4 मीटर दिख रहा है ना, तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मीटर तो हो जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो 400 सेंटीमीटर, और प्लस का 25 सेंटीमीटर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तो सेंटीमीटर इस पैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 425 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ आपका दे दिया 425 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया 83 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 425 × 83 मल्टीप्लाई करके ये आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा, तो ये तो सही होगा, ठीक है। अब इसको हम मीटर में दोबारा मीटर में कन्वर्ट करके बना रहे हैं, दोनों तरह से हम आपको बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिटा रहे हैं हम, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा तो जो 4 मीटर है इसको तो मीटर में ही रहने देंगे, और जो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इसको हम मीटर में करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 by 100, यहाँ पे हो जाएगा मीटर। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये चेंज होगा किस, कैसे हो जाएगा, 4 मीटर तो जी। यहाँ पे देखिए डिवाइड करने के लिए जब डिनोमिनेटर में जीरो से अगर हमको डिवाइड करने के लिए रहेगा तो सबसे आसान तरीका, जीरो को हम गिनेंगे और इधर हम दाहिने साइड से क्या अंक गिन कर हम दशमलव बैठाएंगे, 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 0.25 मीटर। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर मीटर को हम ऐड करते रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4.00 और 0.25 को हम जब ऐड करेंगे तो 5 2 4, यानी कि 4.25 इसका आएगा एक तरह से, यानी कि लेंथ मेरा हो जाएगा 4.25 मीटर। उसके बाद ब्रेथ हम निकालेंगे ना, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 83 सेंटीमीटर है, उसको भी हम सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 0.83 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 100 से इसको भी डिवाइड करेंगे। इसी तरह हम करेंगे 83 by 100, इसको भी करेंगे यहाँ पे और अगेन करके लिख दे रहे हैं। लेंथ हो जाएगा 4.25 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 0.83 मीटर। इसके बाद हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना है आपका 4.25 इंटू ब्रेथ कितना है 0.83, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, मल्टीप्लाई करके जो भी नहीं, हमें 3.5275 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे मीटर में चेंज करके दोनों तरह से आपको बता दें, दोनों मेथड से आप बना लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे गुना करने में आप हो सकता है गलती हो तो आप उसे सुधार लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस आपका सेम यही रहेगा। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो सेंटीमीटर का आंसर ये आएगा,
और मीटर में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो इसका मीटर का आंसर ये आएगा। तो आप दोनों मेथड से बना लीजिएगा और कहीं पे गुणा करने में मिस्टेक होगा आप उसको सुधार लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस सेम यही रहेगा। तो ठीक है, ये था फर्स्ट का सी और अब आइए फर्स्ट का डी में। समझ में आ गया होगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट का डी नंबर सब एक ही तरह से बनेगा, सारा क्वेश्चन एक ही मेथड से जैसे हम अभी बताएं। डी बोल रहा है कि लेंथ इक्वल टू 16.29 मीटर, लेंथ इक्वल टू 16.29 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू, ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर सी को बनाए, या तो आप मीटर में कन्वर्ट करके बनाइए या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बनाइए। यहाँ पे आपको जो दिखला दे रहा है कि 16.29 मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 मीटर 29 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, ये डायरेक्ट हम देखिए दोनों आपका है, या तो आप मीटर में कन्वर्ट करके बनाइए या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बनाइए, सेम प्रोसेस वही रहेगा। निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। अगर हम सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट गुना करते हैं, जैसा दिया हो उसी तरह करेंगे। लेंथ आपका कितना है 16.29, इंटू ब्रेथ कितना है 15.50, डायरेक्ट हम करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, यानी कि 252.4950 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर डी का, इस तरह बना लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एरिया जब हम निकालते हैं तो एरिया में हम मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एल इंटू बी, आपका जितना लेंथ दिया हुआ रहेगा उसमें ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए रहेगा वो आप खुद से करिएगा आंसर को देखते हुए। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप इसमें ये, अगर एग्जाम में देखिए आपको ये ध्यान देना है कि जो लेंथ दिया हुआ है वो भी मीटर सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी मीटर सेंटीमीटर में है ना, दोनों तो सेम है, किसको करेंगे हम मीटर या सेंटीमीटर में। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। अगर आपका, और दूसरा प्रोसेस बोल रहे हैं, अगर आपका लेंथ मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ब्रेथ आपका या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, दोनों में से कोई एक में दिया हुआ रहेगा, तो एक में दिया हुआ रहेगा तो आप दोनों को सेम करिएगा, या तो मीटर में कन्वर्ट करिए या तो आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर उसको चेंज कर आप उसके बाद फिर एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी, और इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर एफ, इसको भी आप सेम उसी तरह बना लीजिएगा, बस यहाँ पे फर्क इतना है किलोमीटर और मीटर है और ब्रेथ भी किलोमीटर मीटर में, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम आपको एफ नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर डी जैसे बनाया मीटर सेंटीमीटर को डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन नंबर एफ भी बनेगा, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। तो अब आइए 18B में, 18A का कंप्लीट हो गया, 18B से भी पूछा गया, 18B से 3 और 4। देखिए सबसे पहले 18B का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 18B का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट, इट्स वॉल आर टू बी पेपर्ड विद 40 सेंटीमीटर वाइड कलर्ड पेपर, फाइंड करके ए और बी में दो क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड के बाद क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है हाउ लॉन्ग पेपर इज नीडेड, पहला ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग पेपर इज नीडेड, बी में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द पेपर एट द रेट ऑफ 1.50 रुपए पर मीटर, इसका हिंदी तो समझ में नहीं आया होगा, इसका हिंदी बोल रहा है एक रूम है जिसका लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, उसमें बोल रहा है कि उसके बोल रहा है इट्स वॉल आर टू बी पेपर्ड विद 40 सेंटीमीटर वाइट कलर पेपर, इसके दीवार में 40 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि जो दीवार का चौड़ाई लंबाई को नहीं बोल रहे हैं चौड़ाई को बोल रहे हैं, उसमें 40 सेंटीमीटर चौड़ा कागज को चिपकाना है, ठीक है 40 सेंटीमीटर कलर पेपर को चिपकाना है। तो ए में क्वेश्चन बोल रहा हाउ लॉन्ग पेपर इज नीडेड,
पूरे दीवार में कितना लंबा पेपर लगेगा। बी में क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द पेपर एट द रेट ऑफ 1.5 रुपए पर मीटर, यानी कि एक मीटर में जब कलम पेपर चिपकाया जा रहा है तो 1.5 रुपए खर्च हो रहा है, तो जितना आपका एरिया ऑफ फोरवल आएगा तो उसमें कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट को लिखेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ फोरवल निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं, लिखिए लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल टू 3 मीटर, हाइट ऑफ रूम 3 मीटर। अभी तक आप पढ़ रहे थे लेंथ और ब्रेथ तक ही, उसमें एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए रहता था, लेकिन 18B में आपको फोर वॉल यानी कि चारों दीवार का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला जब हम 18B बता रहे थे एग्जांपल को, तो उसमें हम बता दिए थे आपको कि इसमें एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H, कुछ नहीं होता है। जो आप पेरीमीटर का होता है 2 × L + B, यहाँ तक तो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसमें हाइट को गुना कर देते हैं, क्योंकि जब दीवार का निकालेंगे तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा ना, और हाइट रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखिए 2 × L + B × H, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे इसको पुट करते हैं, बैठाते हैं, 2 × लेंथ की जगह पे 4 + ब्रेथ की जगह पे 3 × यानी कि मल्टीप्लाई ना, और हाइट की जगह पे 3। सोल्व कीजिए, 2 × इसको पहले हम ऐड कर देते हैं, 4 × 3 = 7 × 3, सब एक दूसरे के साथ किसमें है, गुणा में है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 2 = 14 और 14 × 3 = 42, 42 मीटर सिर्फ होगा 42 मीटर, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एरिया ऑफ फोर वॉल निकाले हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल निकालने के बाद कितना है, 42 मीटर² है एरिया ऑफ फोर वॉल। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो एरिया ऑफ फोर वॉल आया है 42 मीटर², इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, तब क्वेश्चन नंबर ए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है इसमें कि हाउ लॉन्ग पेपर इज नीडेड, इसमें कितना लंबा पेपर की जरूरत होगी, नीडेड मतलब आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, इसमें कितना लंबा पेपर लगेगा, पेपर वाइड ऑफ पेपर इक्वल टू कितना है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जो एरिया ऑफ फोर वाला आया है वो मीटर में आया है, और ये जो वाइड ऑफ पेपर है, पेपर का जो चौड़ाई रूप में दिया हुआ है, वो सेंटीमीटर में है, इसको भी आप मीटर में कर लें, इसलिए कि जो वहाँ आपका कॉस्ट दिया हुआ है 1.5 रुपए पर मीटर बोल रहा है, कॉस्ट मीटर में दिया हुआ है, तो अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, फिर वहाँ कॉस्ट में जब करेंगे तो वहाँ तो आंसर तो मिलता जुलता ही ना आएगा, क्योंकि वो मीटर पूछ रहा है। यहाँ पे हम बोले कि इसको मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे मीटर में करेंगे, 40 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/100 होगा इक्वल्स टू यानी कि 0.40 मीटर, यही आएगा ना। अब यहाँ पे हम बनाते हैं ऊपर से, नीचे नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पे लिखेंगे needed for long paper equals to लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फोर वॉल बटा वाइड ऑफ पेपर करेंगे, कि हम पहले भी बताएं आपको जहां पे हाउ मेनी से क्वेश्चन करता है वहां पे हम डिवाइड करते हैं,
तो हम यहाँ डिवाइड किसमें करेंगे, एरिया ऑफ फोर वॉल से डिवाइड करेंगे ना पेपर का चौड़ाई में। तो लंबे कितना लंबा पेपर मिलेगा और मुझे कितना लंबा पेपर उसमें लगेगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फोर वॉल कितना आया है आपका 42 बटा वाइड ऑफ पेपर कितना है 0.40। अब यहाँ पे जो डेसिमल ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे काट के आएगा 21 × 5 इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 में 1 से करेंगे तो 5 5 2 जा 10, 105 मीटर। ये आपका एक आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर ए का, 105 मीटर एक तो मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर बी का निकालेंगे। यहाँ पे कितना लंबा पेपर लगेगा तो कितना लंबा लगेगा 105 मीटर। अब आइए बी में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द पेपर एट द रेट ऑफ 1.5 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 1.5 रुपए खर्च हो रहा है। तो इतना मीटर में कितना रुपए खर्च होगा एरिया ऑफ फोर वॉल में, हम यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू कितना रुपए, 1.50 रुपए, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना स्क्वायर मीटर, 42 स्क्वायर मीटर, 42 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1.50 × 42, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती, यहाँ पे देखिएगा नाजिया, नाजिया एक जरा सुन लो जरा सीधा आ तो ब्राइटनेस पूरा फुल है ना, साउंड वगैरह फुल है ना। बी में ये बी बोल रहा है कि 1 मीटर पर मीटर, यानी कि 1 मीटर लंबा पेपर लगाने में खर्च 1.5 रुपए लग रहा है। तो 105 मीटर लंबा पेपर जो लगाएंगे तो इसमें कितना खर्च होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू 1.50 रुपए, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर, 105 मीटर, इसी में ना मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 × 105 इक्वल्स टू आपको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या खुद से कर लीजिएगा ठीक है। यहाँ पे आएगा तो हो जाए, एक आंसर आपको 105 मीटर मिलेगा और एक बी का आंसर मिलेगा। यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करके आप खुद से लिख लीजिएगा, जो आएगा ये बी का हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आप लेंथ लिखिएगा, ब्रेथ लिखिएगा और हाइट लिखिएगा। इतना लिखने के बाद एरिया ऑफ फोर वॉल निकालना है, एरिया ऑफ फोर वॉल आएगा 42 मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद लिखना है वाइड ऑफ पेपर, पेपर का चौड़ाई कितना है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब 40 सेंटीमीटर आ गया तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट वहां पे पर मीटर बोल रहा है, मीटर में दिया हुआ है कॉस्ट, इसीलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पे कर लेंगे तो 0.40 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में लिखेंगे नीडेड फॉर लॉन्ग पेपर इक्वल्स टू, यानी कि हमें कितना लंबा पेपर चाहिए, कितना लंबा पेपर हमको मिलेगा। एरिया ऑफ फोर वॉल बटा वाइड ऑफ पेपर,
एरिया ऑफ फोर वॉल से पेपर की चौड़ाई में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 105 मीटर। तो ये रहा आपका 105 मीटर, ए का आंसर फिल किया। और क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि 1 मीटर पेपर लगाने में 1.5 रुपए खर्च हो रहा है, 105 मीटर पेपर लगाएंगे तो कितना रुपए खर्च होगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके, आपके लिए खुद से मल्टीप्लाई करके करने के लिए आपको ये खुद से छोड़ा गया है। यहाँ पे जो आएगा वो बी का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ए स्क्वायर रूम इज 4 मीटर हाइट, द एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल इज 80 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर। यहाँ पे क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा। आपको एक स्क्वायर रूम का हाइट दिया है, सिर्फ हाइट दे दिया है स्क्वायर रूम का। जब यहाँ पे आपका स्क्वायर रूम का हाइट दिया है, जबकि स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, तो जब यहाँ पे ये हाइट दे दिया है तो हम लेंथ ब्रेथ मान सकते हैं ना अपनी तरफ से। हम यहाँ पे लेंथ ब्रेथ को अपनी तरफ से एक्स मान लेंगे और हाइट दे दिया है 4 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ फोर वॉल भी दे दिया है 80 स्क्वायर मीटर। और बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, आपका सतह का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स मीटर। जब ये हाइट दिया है तो हम ब्रेथ और लेंथ को एक्स मान लेंगे एक्स मीटर, और हाइट दे दिया है हाइट ऑफ रूम इक्वल टू 4 मीटर। हाइट तो दे दिया 4 मीटर है। अब यहां से एरिया ऑफ फोर वॉल भी दे दिया, उसको भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ फोर वॉल दिया है तो उसी फॉर्मूला को हम लगाएंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, 2 × L + B × H, ये होता है ना। एरिया ऑफ फोर वॉल की जगह पे कितना, 80 इक्वल टू 2 × लेंथ की जगह पे लेंथ और ब्रेथ को हम कितना माने हैं, एक्स ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x + x × हाइट की जगह पे कितना, 4। समझ में आ रहा ना? देखिए यहाँ पे समझिएगा, 80 = 2 × x और x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। x को ऐड करते हैं तो 2x होता है, लेकिन x और x में मल्टीप्लाई करते हैं तो x का स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, x को जब हम ऐड करेंगे तो 2x और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर 2x × 4। अब यहाँ से देखिए, जो इधर 2 किस में है, गुना में है, इसको हम इधर ही कर देते हैं। ये एक दूसरे के साथ सब किस में हो गया, गुना में हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिखिए 80 = 2 × 4 और 4×4 = 16, 16x हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80/16, ऐसे लिखेंगे ना, 16 हो जाएगा। 16 से 80 कितने, 80 16 का टेबल में 80 कितने बार में आता है, 16 × 5 = 80 होता है ना। तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 5। और x हम किसको लिए हैं, x हम पहले आपको बताए थे कि x हम किसको लेंगे, लेंथ और ब्रेथ को x लेंगे हम। तो यहाँ पे आप लिखेगा हेंस लेंथ लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की जगह पे 5 मीटर, और ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो हम x ही लिए है ना, तो भी हो जाएगा 5 मीटर। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर, यानी कि एरिया ऑफ आपको फ्लोर निकालना है। एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि रूम किस सेप में, स्क्वायर सेप में है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इन टू साइड होता है। तो साइड हम लेंथ ब्रेथ को साइड ही बोलते हैं ना, लेंथ ब्रेथ को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
साइड कितना हो जाएगा 5 × 5 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा है कि एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ इट्स फ्लोर निकालिए, यानी कि फ्लोर का एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो 5 का 5 × 5, साइड में लेंथ ब्रेथ भी होता है, लेंथ ब्रेथ होता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को बस कुछ नहीं करना है, आपको हाइट दे दिया 4 मीटर, जब ये हाइट दिया है तो लेंथ ब्रेथ को हम कितना लेंगे, x लेंगे, तो लेंथ ब्रेथ को हम पहले x मान लिए, हाइट 4 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब आपको ये कमेंट्स में आया था कि एक्सरसाइज 19, 18, 19 और 20, 20, 20, 21 तक आप पढ़ाइए, ठीक है, हम धीरे धीरे 19 भी लेकर चलेंगे। अगला वीडियो में एक्सरसाइज 19 स्टार्ट करेंगे, 19 सरफेस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको लगता है कि आप लोगों को हम पढ़ाए हैं लगता है, कुछ हो सकता है, ठीक है, नहीं पढ़ाया तो ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, 19 नंबर लेकर चलेंगे। लेकिन अभी तक 18A और 18B में जो भी आपको दिक्कत है, जहां पे भी नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा इसी तरह जैसे आज अभी किए हैं, अच्छा लगा बनाकर, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, ओके, थैंक्स।